Hey, so what's up guys, this is Siddharth and welcome back our channel. So guys, ये वीडियो iPhones के ऊपर है क्योंकि guys ये छोटा सा iPhone के Bluetooth, Wi-Fi and data hotspots के ऊपर है कि हमें ये चीज को सेटिंग से ही ऑफ करना जरूरी होता है। जैसे काफी ज्यादा इशू होता है क्योंकि iPhones में ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स है, इतने हाई फाई सेटिंग्स होते हैं, उसमें बैटरी काफ़ी देर ड्रेन होते हैं। हम कितने भी कोशिश करते हैं बैटरी ड्रेन करने होने से बचाने का, बट गाइस कुछ ना कुछ चीज़ें हम हर बार मिस करते हैं और कुछ ना कुछ सेटिंग हर बार हम ओपन करते हैं भूल जाते हैं बंद करना, हम कभी ज़रूरत पड़ती है इसलिए ऑन करते फिर बंद करना भूल जाते हैं। जैसे गाइस हमने यहाँ पर अभी वाईफाई ऑन किया है, ब्लूटूथ भी मैंने ऑन किया है, बट गाइस अभी मैं आपको दिखाऊँगा अगर मैं अभी ब्लूटूथ को ऑफ़ कर देता हूँ और वाईफाई को भी अगर ऑफ़ कर देता हूँ, अगर आपको नहीं नीड है आप ऑफ़ कर दीजिए यहाँ से और वाईफाई को ऑफ़ कर दीजिए। बट गाइस आपको लग रहा होगा वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ऑफ हो चुके हैं, बट नहीं गाइस ऐसे नहीं, वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों ऑफ नहीं है। एक्चुअली वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन कर रहा है, वाईफाई अभी भी अपना कोई भी नेटवर्क सर्च कर रहा है, ब्लूटूथ भी कोई भी नियर बाई जो भी ब्लूटूथ आपके पास हैं वो सर्च कर रहा होता है बैकग्राउंड में। तो गाइस ये सेटिंग आपको हमेशा सेटिंग में जाके ऑफ करना होता है। जैसे मैंने अभी सेटिंग ऑन कर ली है, सेटिंग खोल लिया है अपने आईफोन में और जैसे मैंने अभी दिखाता हूँ जैसे आप सबको दिख रहा होगा वाईफाई ब्लूटूथ मोबाइल डेटा और पर्सनल डेटा हॉटस्पॉट मीन्स। तो गाइस जैसे अब मैं यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन दिखा रहा है बट मैंने तो ऑफ कर दिया है गाइस, बट अभी भी ऑन दिखा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लूटूथ मेरा ऑफ है, बट सेटिंग में खोल के आपको देखने का पता चलेगा ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन है और ये अदर डिवाइस अभी भी सर्चिंग में ले रहा है। मीन्स गाइस अभी भी मेरा ब्लूटूथ फाइंड आउट कर रहा है कुछ ना कोई आसपास जो ब्लूटूथ हो सकते हैं उसको फाइंड आउट कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो अपने बट आपने तो ऑफ कर दिया है बट ये बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली रन होते रहते हैं। तो गाइस इससे क्या होता है बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन होती है, हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, यूज़र्स है आईफोन यूज़र्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो गाइस वाईफाई में भी सेम सेटिंग आपको देख सकती हो, यहाँ पर वाईफाई ऑन है बट हमने तो ऑफ कर दिया था गाइस। बट ये ऐसा क्यों होता है कि आईफोन ने अपने जो है सिस्टम को इस तरीके से बना रखा है, इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है। जैसे गाइस अभी आप देख सकते हो हमने तो बट ऑफ कर दिया है बट बैकग्राउंड में अभी भी ये सर्चिंग में है, नेटवर्क सर्चिंग दिखा रहा है। तो गाइस ये नेटवर्क जो है जब हम ज़रूरत है तभी हम इसको ऑन करके रखें, अदरवाइज ऑफ कर दीजिए क्योंकि वाईफाई को हमें मोस्टली ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है जब हम बाहर होते हैं, बट वाईफाई आपको ऑफ रहता है, ऑन ही रहता है बट आप करना भूल जाते हो। सेटिंग में जाकर ऑफ कीजिए, बैटरी ड्रेन से बचोगे और आपका फ़ोन भी ज़्यादा हीट नहीं होगा। जैसे मुझे पता है मेरा फ़ोन कंटिन्यूस हीट होता रहता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यार ये चीज़ें सर्चिंग में होता है, बैटरी भी ड्रेन होती है, डिस्प्ले भी हीट होता है, हर चीज़ें फ़ोन भी हीट होता है कंटिन्यूसली। तो गाइस ये सेटिंग ऑफ कर दीजिए। तो गाइस ऐसे ही डेटा सेटिंग में भी आपको होता है, हॉटस्पॉट में भी होता है, अगर आप किसी को वाईफाई अपना कनेक्शन शेयर कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, तो गाइस आपने ऊपर से सिर्फ डेटा ऑफ कर दिया बट गाइस अंदर से भी ऑफ ज़रूर करना होता है। तो जैसे आप देख सकते हो अभी जैसे मैंने व्हाट्सएप को अब मोबाइल डेटा में जाके मैंने व्हाट्सएप, आप देख सकते हो व्हाट्सएप मेरा ऑन है क्यों गाइस, क्योंकि मुझे अभी व्हाट्सएप यूज़ करना है तो मैंने व्हाट्सएप को ऑन रखा। ऐसे ही जैसे मुझे ऐप स्टोर अभी यूज़ नहीं करना है तो मैंने इसका डेटा ऑफ रखा है, ओएलएक्स नहीं यूज़ करना है इसका डेटा ऑफ कर रखा है, मैंने वो सारे डेटा को ऑफ कर रखा है जो मुझे यूज़ में अभी नहीं करना है, यूज़ नहीं करना। तो गाइस जो यूज़ जब मुझे करना होता है मैं उसको तुरंत डेटा में जाता हूँ, देन क्लिक करता हूँ सेटिंग्स में इनके, देन मैं वही सॉफ्टवेयर वही ऐप में यूज़ ऑन कर देता हूँ इसका डेटा, ताकि मुझे उस टाइम पे पर्टिकुलर ऐप पे मुझे डेटा और प्रॉपरली डेटा मिले और मैं उसकी स्पीड भी सही बनी रहे। तो गाइस वीडियो में यही है कि आपको जो टाइम पे जिस टाइम पे आपको जो ऐप यूज़ करना है उसी का ही आप डेटा एक्सेस करें उसी का ही, ताकि आपको प्रॉपर आप ये देखिएगा इस आपको आईफोन इतने सिक्योरिटी दे रहा है बट आप भी उस ध्यान रखना आपको ज़रूरी होता है, जो जितना सिक्योरिटी देगा उतना ही सिक्योरिटी आईफोन के पास भी जाएगा, राइट। मैं कहना कर जो तो आप सभी को पता है। तो गाइस आप अपनी अपनी जो है सिक्योरिटी आप अपनी ध्यान रखें। तो गाइस सेटिंग को मैंने जो आप सेटिंग्स बताएं, डेटा भी ऑफ करना है, ब्लूटूथ भी ऑफ करना है, वाईफाई भी ऑफ करना है, अगर आपने ऑफ कर दिया है दिखा शो हो रहा है बट आपको सेटिंग में जाकर ऑफ करना है, राइट गाइस, अगर आपको यूज़ नहीं करना है, और जब आपको कोई भी चीज़ यूज़ करना है तभी उसका एक्सेस दे, तभी उसको कि अगर आपसे एक्सेस मांग भी रहा है आप मत दीजिए, जब आपको नीड है उस चीज़ की तभी एक्सेस दीजिए।
तो गाइस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन था। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना ताकि आपके पास और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन जाए इफ़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। सो गाइस जो मैंने सेटिंग्स बताए वो यूज़ ज़रूर करना ताकि आप इस चीज़ों से थोड़ा मेंटेन करके रखो फ़ोन ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक हम इसको यूज़ कर सकें और आपकी फ़ोन की हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए। सो गाइस वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।